एक्सटी पांडे कुटीना स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में सहयोगी श्वेता और प्रगति मौजूद है, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर, यूपी उपचुनावों को लेकर। अपने वोट बैंक को साधने के लिए हर दल पूरी जुगत में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो जाति पर सियासत हो या फिर जयंती पर। लगातार तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है और कुछ ऐसा ही हुआ है जेपी की जयंती को लेकर। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जेपी का माल्यार्पण, सड़क पर सियासी रण, जेपी की जयंती, वोट बैंक की राजनीति। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने की जुगत में लगी हैं और इसके लिए कोई भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे सियासत जाति के नाम पर हो या फिर जयंती के नाम पर। इसकी वानगी यूपी की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जिद ने हंगामे का रूप ले लिया। सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, कई समर्थक बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ और इसकी वजह थी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण। आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, जरा इस तस्वीर को और एक बार देखिए। जयप्रकाश की यहाँ पर तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं जयप्रकाश नारायण, जिनको लेकर ये पूरा आज का आज कार्यक्रम है वो देखने को मिला है। हाथ में तस्वीर और देखिए किस तरीके से चैन जो है वो पहने हुए। 20,000 पुलिस फोर्स भी अगर योगी जी लगा दे तो हम समाजवादियों के हौसले को नहीं रोक पाएंगे। आज मलयाट पर हो गए दरअसल एलडीए ने सुरक्षा का हवाला देकर अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी सेंटर न जाने की अपील की, लेकिन अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़े रहे और प्रशासन के आदेश को दरकिनार कर दिया। ये सब कुछ हुआ वोट बैंक के लिए। अखिलेश की हट से सड़कों पर सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम लगना शुरू हो गया। हालात ऐसे हो गए कि अखिलेश के घर के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। प्रशासन और पुलिस ने अखिलेश यादव को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सपा अध्यक्ष नहीं माने और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए अड़े रहे और बाहर उनके समर्थक हंगामा करते रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सपा कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर जेपी की मूर्ति लेकर पहुंच गया, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। इसी फोर्स से ये हमें सुरक्षा के साथ ले जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा इसलिए लगाई इन्होंने कि हम जा ना पाए। गांधीवादी जयप्रकाश जी, गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनका अगर जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान बनाने वालों के खिलाफ हैं ये लोग। जयप्रकाश नारायण की जयंती को सियासी रूप देने के लिए अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना बवाल करने की आखिर जरूरत क्या थी। जेपी की जयंती शांति से भी मनाई जा सकती थी। एलडीए ने सुरक्षा का हवाला देकर जब रोक लगाई तो वोट बैंक के लिए सियासत क्यों जरूरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे मामले में सियासत गरमाती नजर आ रही है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के जेपी एनआईसी जाने को ड्रामा बताया, सुनिए। और नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है, और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे,
उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। इधर गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि हिंदू संगठित सशक्त हैं, हमें एक होना होगा, हिंदुओं को एक करना ही हमारा इस वक्त मकसद है, जातियों क्षेत्रों में हम बटे हुए हैं, लेकिन अब कैसे एक साथ आना होगा, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह। देश के अंदर ये बात साबित हो गया है, संगठित हिंदू सशक्त हिंदू। आज हिमाचल में अगर वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने मिलकर के मस्जिद बना लिया तो संगठित होकर के बाध्य कर रहा है और लोगों को मानना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, संगठित हिंदू सशक्त हिंदू, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने यह नारा दिया है हरियाणा के चुनाव में, बड़ा सफल रहा आप लोगों के लिए? सफल नहीं रहा, ये हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में जिस दिन घटना घटी है उस दिन से मेरे मन को कौंध रहा है। आपसे मैं पूछता हूँ कि नसरुल्ला लेबनान में मरता हो और भारत का कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ पेट में दर्द नहीं हो किसी को, आखिर क्या? जब म्यांमार में होता है 2015-16 में बॉम्बे में जुलूस निकलता है, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा भाई पाकिस्तान में कट गया, लूट गया, मंडपों से उठ गया, देश तो इसीलिए न बटा था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कुछ मुसलमानों को रख लिए तुष्टिकरण के लिए, और आज ऐसा तुष्टिकरण हुआ कि हमने तो इतने साल से कभी किसी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका बल्कि सम्मिलित हुए, लेकिन आज बिहार के बिहार शरीफ में भी रामनवमी जुलूस निकालते हैं तो पत्थले चलता है, आज तलवार चलता है, आज गोलियां चलती है, आज कांवड़ यात्रा पे पत्थर चलता है यूपी के बरेली में। आखिर क्या इसी दिन के लिए हिंदुस्तान बना था कि हम अपना देवी दुर्गा की पूजा भी स्वतंत्र होकर के ना करें? बांग्लादेश की घटना ने झकझोर दिया। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मकान थे, हिंदू थे, कौन कटे कौन मरे किसी को पता नहीं, बांग्लादेश में भी। आज भारत के अंदर भी ये लोग खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगठित हिंदू सशक्त हिंदू। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना,